दोस्तों, आज फिर से एक नया स्टोरी टाइम, क्योंकि दोस्त हमारे आए हुए तो हमने सोचा इन्हें भी मिल्क कर लें थोड़ा सा। और ये लोग आज शाम को आए थे, आए थे लगभग 8 बजे और सुबह निकल लेंगे 5 बजे। 8 नहीं 6:30 बजे आ रहे, 6:30-7 और सुबह 5 बजे निकल लेंगे मॉर्निंग में। तो हमने सोचा रात के 1 बजे इनसे एक वीडियो शूट करवा लीजा, क्योंकि फिर तो काम निकलने वाला है। क्योंकि छोटे की और मेरी जोड़ी ना रोके। तो अब जो स्टोरी टाइम है, ये हमारे 9th या 10th क्लास का है ना, 10th क्लास का है। और ये स्टोरी टाइम ऐसा है कि हर्ष के मोहल्ले में एक लड़का हर्ष के दिमाग में चढ़ा हुआ था बहुत टाइम से, ऐसे ही, मतलब ना उसका कोई लेना है ना देना, तो बस ये था कि ये दोनों लड़के एक सेम लड़की को जस्ट पसंद कर रहे थे, सिर्फ पसंद हल्का सा। और वो लड़की भी अगर मैं आज दिखा दूं ना इसे, तो यार मैं कहां किसके पीछे था। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हां मतलब है ऐसा ही है। और ये हुआ था कि बोल सके क्रश दोनों की थी, नहीं इसकी क्रश थी, उसके फैमिली फ्रेंड थी बस। इस वजह की इस बात की हेट थी कि उसकी फैमिली फ्रेंड थी, उन दोनों की मम्मी फ्रेंड थी। और ये बात मैंने ऐसे बताई थी आगे, मैंने कहा ऐसा ऐसा है, तो तब से बस मन में हेट लेके घूम गया था उस लड़के के लिए। मतलब मेरे में इतने दम नहीं थे कि मैं कन्फ्रंट कर दूं किसी को जाके, हेट ही थी सिर्फ। तो वो हेट ऐसे ट्रांसफॉर्म हुई, मतलब मेन तो मेरी जो सुलगी थी ना, मेन जब क्लाइमैक्स आया था। एक बार क्या हुआ, मैं बालियान और वो दोनों एक ही ट्यूशन में थे, तो हमने नोटिस किया कि वो लोग बहुत पास पास बैठे हैं। तो मैंने कहा बालियान को, मैं कहा यार कल ना इनके बीच में बैठे हैं। तो बालियान ने कहा कि ठीक है बैठ देंगे, बालियान था हराम। उसने तो फिर अगले दिन आके मना कर दी, यार मैं बैठ रहा तेरे साथ, मतलब अकेला बैठ दे जाके। तो मैंने क्या किया, मैं उनके बीच में बैठ गया और भाई वो दोनों मुझे भींच के यूं बैठे, उतना ही पास वो और मुझे भींच के पूरी ट्यूशन में बैठे रहे वो। वहां फोटो खींच गई थी दिमाग में, मैं कहा अब तो कुछ करना। उसके बाद क्या हुआ, इसने मेरे से बात डिस्कस नहीं करी और मैं इसका तेज दिमाग मान गया। फिर क्या हुआ कि मैं ग्रुप में था लड़कों के, जो थोड़ा लड़ाई मतलब मार पिटाई में रहे थे, एक दो लड़ाई में मैं भी गया उनके साथ। वो भी एक किस्सा बताऊंगा उस पहली लड़ाई का। उसके बाद इसने क्या क्या गेम रचा कि मेरे साथ जो लड़का था, जो सबसे मतलब खूब ही लड़ाई में राग रहा था, उसे आगे यूं कह दिया कि एसडी के लड़के तुझे यूं कह रहे थे, उसके बस की कुछ नहीं है, वो कहीं मिल गया देख लेंगे, उसका कायम जी में नाम चले, इनके सारों के मारेंगे एमजी वालों को आगे। और तुझे माँ की गाली थी उन्होंने, तुझे माँ की गाली थी। उसके बाद भाई उन्होंने मुझे कहा, अब भाई हर्षियो किसी लड़के का नाम ले रहा था एसडी पब्लिक के, वो लड़का कौन है एक बार पता लगा भाई। मैंने कहा, मैं कहा इसकी हर्ष की वहां रहे पड़ोस से में रहे, ऐसे ऐसे लड़का है। कह रहे ठीक है आज शाम उसे पकड़ेंगे वहीं ट्यूशन के बाद। ट्यूशन के बाद ऐसा हुआ कि मतलब मैं इनसे छोटा था, तो हर्ष मुझे ना बात बताया कर रहा था कि यार ये एक लड़का है, ऐसे ऐसे दिक्कत है, और मुझे यूं पसंद नहीं आया। तो और पता क्या हुआ, मतलब मैंने शिकायत कब लगाई थी उसकी इस तरह से, क्योंकि मेरी तो किसी से दोस्ती ज्यादा थी नहीं, और मैं था भी छोटा सा चुटकू सा, और मैं ऐसा लगू था तारे जमीन पर को, क्या नाम है उसका, दर्शील सफारी, बिल्कुल सेम शक्ल थी मेरी। तो क्या हुआ, वो बिना फोकट में चार लड़के ले आया, और वे चार लड़के उन्होंने पकड़ के मेरे कॉलर वॉलर पकड़े, मेरे पैर कांपने लगे, उनकी हाइट भी 6-6 फुट। मैं कह रहा, मैं कहा मैं तो हेल्पलेस हो गया यार, यहाँ मेरे पास तो लड़के वड़के भी नहीं है। मैंने नाम लगा दिया कि जो जो बातें उन्होंने मुझे बोल ली थी, मैंने वे जाके बोल दी कि ये बातें इसने तुझे बोल ली। वो सारे अपना सब कहने लगे शाम को, भाई आज शाम मिलते हैं लक्ष्य, हर्ष को बुला लिए। और ये तेज भी इतना मना कर दी थी, तेज भी इतना था आने को मना कर दी, कह रहा लक्ष्य तो पहचान ही लेगा उन्हें। और ऐसे ऐसे मैंने वो लड़का उससे पहले देखा भी नहीं था, बस मुझे नाम पता था उसका। भाई वहां लड़के इकट्ठे हो गए, वो लड़का आ गया, उसे कहने लगे भाई तुमने गाली कैसे दी भाई हमें। वो कह रहा अरे भैया किसी ने किसको गाली दे दी, नो तेरे साथ ये भी था वो भी था, वो जो 3-4 लड़के से आगे पकड़े थे उनका नाम बता रखा इनने, वे सारे आ गए वहां। अब बैसम बैसी चल रही, बैसम बैसी, हमने सिक्के थी नई नई लड़ाई करनी, इतनी बैसम बैसी चल रही भाई, तू इसने किसने कहा इसने किसने कहा, इतने पीछे भाई हमारा दोस्त है, उसने बेल्ट मारनी शुरू कर दी उनमें सारों में, तो आपस में मिलेगी एक दो आपस में लगी, क्योंकि अंधेरा इतना हो गया। और उन्हीं उसी लड़के घर के सामने उन्हीं की गली में, और वो लड़ाई के बाद वो गली बंद होगी अब। वो दिखाऊंगा, उसी लड़ाई से 2-4 दिन बाद गेट लग गया था उस गली में। जब यू बेल्ट लगनी शुरू हुई ना उनमें, तो एक लड़का जो सबसे ज्यादा फालतू बोल रहा था वो भागता नजर आया मुझे अंधेरे। यू था पहले तो आराम से यूं यू चल रहा, अरे एकदम जब उसे देखा रे इनसे बात चला। और वो सबसे बड़ा टोन बनना था उस स्कूल का, धागा की जेलेसी में कई सारे इनोसेंट सोल पिटे थे उसने। सब जिनका कोई कसूर नहीं था पिटे सब वही थे उसमें। मतलब एक बंदा था जो सब में म्यूचुअल था, तो वो चुप खड़ा था, तो जब अंधेरा हुआ ना और बजना शुरू हुआ, और जब ये कंफ्यूजन हुआ कौन किसका मार रहा, उसने क्या करा बाइक पीछे लगाई एक बंदे के, और ये कह रहा कि मैंने जितनी जान मेरे में थी ना उतनी जान से रैपट मारा, उसके हाथ पे पट्टी बंधी रही थी कई दिनों से। हाँ। इतनी तेज छाटा मार गया था। उसके बाद भी तो शायद उन्होंने तुझे पकड़ा था। फिर हाँ, फिर क्या हुआ, पीटने गए, मतलब किसी को मेरा नाम नहीं पता था कि लड़ाई मैंने करवाई, तो वे अगले दिन मेरे पास आए, उनके मुंह सूजे पड़े। वो कह रहा यार वे
तेरे स्कूल के वे लड़के थे, सालों का नाम बता दे बस कौन थे, कौन यार, आधा आधे घंटे उनसे बात करूं, मैं फ्रेंड बन गया उनका, बढ़िया। मैं यार मैं तो जानता नहीं उन्हें, पर मैं गलत हुआ, ये तो गलत किया। फिर उन्होंने आना छोड़ दिया, पर मतलब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा माइंड गेम था वो 10th क्लास में। और उसके बाद वो लड़का मुझे जो जिससे जला था मुझे कई जगह मिला, कई म्यूचुअल्स के, बड़ा फ्रेंडली सा सीधा लड़का है वो, इतना सीधा लड़का, बिना मतलब सड़ा था उससे, यूं है यूं है यूं है, ना उनकी कहीं सेटिंग थी ना कुछ नहीं, कुछ नहीं था वो, बहुत अच्छे घर का क्रीम बंदा, बहुत प्यारा लड़का वो बेचारा, डेरी अच्छे से मतलब हाथ उत मिला गए, और अब भी कहीं ना उसके मन में उस लड़ाई को लेके खटास है, वो मुझे तो उसी नजरों से देख के किंग अभी भी थोड़ा सा मायूस है अंदर से, कि फालतू वहां बजा था उस टाइम। और उस लड़ाई से पहले वो गली वली में खूब दिख रहा था, उसके बाद फिर वो दिखना बंद हो गया था, क्योंकि उसकी लाइन था जाते, उसके घर के दोनों तरफ गली में गेट लग गया था उसके, अब मैं उससे पहले की लड़ाई बता रहा, मैं वहां पे ना ऐसा हुआ, मैंने भी वागरू था, मेरे साथ के कई सारे लड़के थे, तो वो खूब लड़ाई में रहे थे, मैं भी घूमता यार मुझे भी अपना थोड़ा सा हिसाब बना। हमारे यहाँ पे एक टर्म यूज की जा रही थी कि मतलब अगर कोई बंदा लड़ाई में बंदे बुला रहा ना तो उसे कहा जाएगा अरे इसका हिसाब तो बहुत तगड़ा है। तो ऐसा था कि हम ना जितने लोग क्रिकेट खेल रहे थे वो सब लड़ाई वड़ाई में रहने लगे, तो मैंने भी एक दिन कहा यार मुझे भी थोड़ा हिसाब बनाना, मैं थोड़ा क्रिकेट खेलना छोड़ रहा, हिसाब में राग रहेंगे। तो मुझे साथ वाले एक बंदे ने बताया, कह रहा भाई देख तेरा डेट तब खुलेगा जब तू कभी पिटेगा, बिना पिटे तेरा डेट नहीं खुलनेगा। मैं कहने लगा मगर नहीं डेट के लिए पिटने की क्या जरूरत है, मैं तो पीट के खोल लूंगा डेट तो। मैं कह रहा नहीं नहीं मेरा ऐसे ही खुला। मगर तेरा कैसे खुला, एक भैया का नाम लिया उनने, उन भैया की लड़ाई में गया था मैं, हलवाई की दुकान के बाहर लड़ाई बजी, तो मैं ना जब जाम बुध बज रहा था लड़कों को उसके बीच में घुसा ना, तो मेरे सर में कोंचा मारा किसी ने। यू कह रहा जब मेरे सर में कोंचा लगा ना मेरा हाथ चलना शुरू हो गया। इससे खराब तो हथियार ही नहीं हो सकता। कोंचे से एक्टिवेट हो गई वो लड़ाई। वो लड़ाई मेरे घर के सामने बजी थी, जब वहां आ गए थे, वहां उस लड़ाई में इतना गंदा बुत बजा था कि जब कुछ नहीं बचा ना लोंडो के पास, तो जिससे वो पूरी नहीं तलते, एक ना कढ़ाई में से वो काट लिया कुंचो देख के सिर में, फोटो खिला था खड़ा हुआ वहां से डेट खुला। तो मैं उसे कहने लगा मगर नहीं भाई ऐसा डेट नहीं खुलवाना, छोटी मोटी लड़ाई में खोल लो। एक वो जहाँ से कुंचा निकल रहा था वहां पे एक वो भी था गोलगप्पे की स्टोरी। अरे यार बता दे भाई क्या हुआ, स्कूल टाइम की बात है, 11th या 12th में थे हम, तो मैं फास्ट फूड की शॉप है उस पे मैं खाने गया गोलगप्पे, तो मेरा गला खराब हो रहा था बहुत ज्यादा, मतलब मुझे बलगम आ रही थी बहुत ज्यादा और गला दुख भी रहा था, जब मैं खा रहा तो मेरे गले में बलगम फंस रहा बहुत ज्यादा, तो मैंने ऐसे वो थोड़ा मेरे मुंह में आया, अब मैंने बिना डायरेक्शन दिए वो थूक दिया इतना मोटा, और वो जो गोलगप्पे का पानी था वो सीधा उसमें जाके गिर गया। मैंने तो कहते हैं भैया ठीक है आज के लिए तो रहने दो, हर से वीक लेडी खड़ी मैं पानी मिक्स करके देते ना, ये बता वहाँ मिक्स करके कौन सा फ्लेवर आ रहा है। उस दिन के बाद से नहीं खाया मैंने आज तक वहाँ भाई। केक और भी तो बात थी, तो भाई वही लड़का अर्चित, उसका नाम कुमार अर्चित था, तो मेरे से उसका पहले नंबर पड़ा था, तो वो मेरे साथ बैठा करता था, मैं उसके पीछे था, तो मैंने उसने डिसाइड करा एक लेटर तू याद करके ये एक मैं सीटिंग कर लेंगे जो उनसे भी होगा, वो लेटर आ गया जो वो याद कर उसे याद करके आना, कह रहा मैंने उसे कहा मगर भाई पता क्या लेटर यू, कह रहा एंड में करेंगे, यू कर रहा मुझे एंड में करेंगे डन है, तो आधे घंटे पहले सारा काम निपटा गया बैठ के लेटर के लिए। अब उन्होंने लेटर शुरू करा, मैं पहले तो टीप था टू द प्रिंसिपल ये वो फलाना डिम करा, जब उन्होंने शुरू करा आई इज वॉज वर द स्कूल अर यू, मैं देखता मगा भाई मगर रहने मगा ये नहीं कुछ याद है लड़ाई की चली रही, तो एक बार याद है अक्षित गली में कैसी लड़ाई बजी थी। अक्षित और मैं मतलब हम लोग गली क्रिकेट बहुत खेल रहे थे, हम मतलब 5-7 बंदे इकट्ठा हो जाए रहे थे, तो गली क्रिकेट का एंड बड़ा वो हुआ था लेकिन गंदा, मेरे छांटा लगा था मैंने क्या करा अड़ा गली बार में। क्या हुआ, मैंने उसका छोटा भाई पीट दिया, पिटा भी नहीं बल्कि मतलब लड़ाई बज गई, वर्बली थोड़ा बहुत हो गया, वो रोता था साला, छोटी छोटी बात तो रोन लगा, तो फिर रोन लगा, आउट कर दिया तो रोन लगा, तो अपने भाई को बुला के लाया, अब मैंने उसके भाई के सामने उसे कुछ कह दिया, मतलब ऐसे ही जो हमारा वर्बल आर्ग्यूमेंट चल रहा था, तो उसके भाई ने पहले तो एक उसके मारा, मैं और चढ़ गया, मगर इधर तो भाई अब हाई ग्राउंड आ गया, ये तो उसे ही पीट रहा, फिर मैंने भी उसे ऐसे धक्का से दे दिया, और जैसे ही मैंने धक्का दिया पकड़ गया मेरा मेरी गुद्दी, रैपट दिया ना इतनी जोर का, उससे बढ़िया रैपट नहीं खाया मैंने लाइफ में। आज मुझे किस्सा याद आ रहा था छोटे लक्ष्य के आने से ना, पहले क्या हुआ छोटे लक्ष्य के पास मैं बहुत जाया करूँ था, इसके पास ट्यूशन के तुरंत बाद इसके पास चला जाया करूँ था, इसे ना कहीं से नोकिया 5233 था इसके पास, यूं कह इसमें सिम नहीं डालना यार, ये सिम डाल दिया तो चोरी का पकड़ा जाएगा। मतलब यार
फोन आज आई फोन में आ रही वो टेक्नोलॉजी वो 5233 में बता देता। वो उस 5233 में इतना सिम गारंटी तो नहीं दिया। उसके बाद कहने लगा नहीं फेसबुक चलाने के लिए दूसरा फोन लाऊंगे। एक फोन आया करता था उसमें ना फेसबुक भी चला रही थी, मैसेज फ्रेंड रिक्वेस्ट होम कट 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 करके नीचे लो मैसेज लो फिर रिफ्रेश करते रहो। नोकिया C2 उसमें हम फेसबुक चलाया करते थे। अब भैया उस टाइम सिग्मा मेल की तो गर्लफ्रेंड थी, दूसरे मेल की भी चक्की सी लगी, तो दूसरे मेल ने इतनी शेडी लड़की पटाई जिसका आगे का और पीछे का ना तो तब किसी को पता था और ना अब किसी को पता, मतलब यूं भी नहीं पता वो एग्जिस्ट करे भी थी या नहीं, ऐसी लड़की पटाई एंजल प्रिया ही पटा दी थी। ठीक है, उसके बाद पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, वे सारे रिचार्ज पता थे 71 रुपए के मैं क्या आ रहा और 72 के मैं आईडिया टू आईडिया क्या आ रहा। वे रिचार्ज करा गए कंपनी गार्डन की टंकी के नीचे, पूरे पूरे दिन पड़े रहे यार अपना फोन पे बात हो। आगे किसका किस्सा बताइए भाई, क्या हुआ था फिर उसके केस में? बोल तो जब से चुप बैठ बता दो क्या हुआ था, मुझे फसाम के बता फिर बताऊंगा आगे। रिलेशनशिप का एंड कैसा हुआ था वो? अरे मैं कर रहा था बहुत बकचोदी करने लगा था उस टाइम भी, फोटो को स्नैप बताया गया था। हाँ उसे मैं कहता आप अपनी आज की स्नैप भेजो। अरे बचपन था, बड़पन था उसका। चल आगे की बता क्या हुआ था। तो यूं ही था, वो चली गई थी मेरठ, फिर उसके बाद भाई ज्यादा फोन करने लगा, चक्कर चल गया वहाँ पे किसी और से। अच्छा उसने बनाया मेरा, अपने किसी दोस्त से फोन करा के कि मैं उसके किसी दोस्त ने फोन कर दिया उनको, मैं थाना प्रभारी बोल रहा मेरठ से ऐसे 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 और तुम्हारा फोन ट्रेस कर दिया और तुम लड़की से जबरदस्ती बात कर रहे, हैरेसमेंट का केस लेगा ये और वो। तो बाबूजी के ऐसे चुतड़ पटे, नंगे पैर घर से भाग लिया अपने पापा के पास, भागा गया नंगे पैर, पापा मैं एक लड़की से बात करूँ था, मैं फंस गया उसके चक्कर में। फिर वो सिम तोड़ा, ऐसे थे बाबू जी। तू तो खत्म है भाई, हट जा। अरे वो तो बचपन, नंगे पैर तो ऐसे ही भगा दिया था एक बार हमने पुलिस का फोन करके। हाँ डागा भी नंगे पैर गोली गया अभी। वो तो रुकी जब मैं रुकी था, अब भगा गया। अब भी रुकी है तू, अब भी रुकी है। ऐसी बात अब कह रही ना रुकी कर दिया था तेरे पे प्रैंक, तो हमेशा सक्सेसफुल है। देहरादून में तुम रखे थे सब, रेड लाइट टूट गई इससे और भाई और रात को वीरान हो गया। ओ देखो चल मन तो नहीं हो गया। जब भी रुकी था मैं पिछले 2 महीने से काउंट करो मुझे प्रो। यो हर 6 महीने हो गया मुझे, पिछले 2 महीने से ही काउंट करो। नहीं मैं पिछले 3 महीने पहले मैं बहुत इमेच्योर था मैं मानू, लेकिन अब बहुत फर्क है। अरे ये बात तो पिछले 2 साल से कह रहा हूं। इम्प्रूवमेंट देख ना, क्वार्टरली इम्प्रूवमेंट आ रहा। एक पहले शेड बोलता रहा था, मैं इंग्लिश के ट्यूशन में जा करूं तो एक दिन इसने मेरा इतना खून फूंक दिया, इतना खून फूंक दिया मैं इसकी चप्पल नाली लूली में फेंक के भाग गया था ट्यूशन। अरे यो 9th-10th की बात है, इतने बड़े हो लिए थे, यूं ही कर रहा था खून फूंक के रखे था ये पूरा। एक बार कुछ बात हो रही, बार बार छेड़ रहा छेड़ रहा छेड़ रहा। 4th class में तो मैंने इसका काट लिया था। 9th-10th की बात है भाई, इनने ऐसा खून फूंका मैंने एंड में इसके वो ही मारा, फिर कंपास ही मारा यूं। और फिर भी यूं करे नो मेटल यूं कर रहा वहां बैठ के, नो मेटल मेटल की नहीं है ऐसा। डीट था भाई, बहुत डीट था, ज्यादा डीट था, डीट इन्होंने बनाया था इसमें मुक्के मारो। इसका बॉक्स तोड़ दिया मैंने, इसका लंच बॉक्स तोड़ दिया यार, बस जब भी डेट हटाओ रखा था। अब ग्रुप ऐसा क्रिएट करा था चौधरी साहब ने ना, बहुत दिमाग से ग्रुप क्रिएट करा था मैं ना पहले। बहुत 4th class में तो थोड़ा अलग अलग लोगों के साथ ही बैठे रहते, बस लंच वंच में खेल लिए, गेम्स पीरियड में खेल लिए, तो मैंने देखा मैं यार इस तरीके से तो काम चलने का नहीं, ग्रुप में हर तरीके का बंदा चाहिए, डम भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए खड़ा होना पड़े। तो इसीलिए होशियार चूज करा गया था करण, डम चूज किया गया था ढाका जी। उसके बाद छोटा लक्ष्य आया स्कूल में, फिर आया बालियान आगे मिल गया आगे, उसके बाद ये सब लोग मिल गए। तो धीरे धीरे ग्रुप में, लेकिन सबसे पहले मैं करण और हर्षी दोस्त बने थे पूरा टाइम, हम ही 3 बैठे थे एक डेस्क पे। और उसमें ऐसा सीन था कि करण पढ़ाई में बहुत होशियार था, बकचोद था, खाली बकचोद ही था, होशियारी थी नहीं इसके अंदर बिल्कुल भी। अरे बकचोद भी थोड़ा आगे जाके ही बना था, ये तो पता ही नहीं भाई इसका बोझ क्यों उठाया इतने साल। और भाई ड्रॉइंग इसकी इतनी खराब भाई, इतनी मतलब एक सीसी का पीरियड होता क्राफ्ट का और उसका क्रिएटिविटी का। अरे भाई ढाका जी तो क्रिएटिविटी से पॉजिटिव थे, ग्लिटर के पेन सबसे बढ़िया लाने, वे फूल फाल लगाने सबसे बढ़िया लाने, सामान सबसे बढ़िया उनकी मान चौधरी साहब। उन ग्लिटर के पेन से इतना बुंडा लिखा गया था ना, एडिंग डालना इतने से एडिंग भाई इतने बुंडा। अरे एंड में यू आर आई यूज दी बस फ्लावर सा बना के सीट के कोने में लगा दिया। एक बार मैम ने वो फ्लावर देख के, अरे क्या ही देख के हमारी सीट दूर उड़ती गई वो इतना बुंडा लिखा गया था। और जैसे मान ले ऐसे कोई असेसमेंट बनाना है, एक शीट पर कुछ लिख के देना पोल्यूशन के ऊपर, तो बंदा पोल्यूशन बड़ा सा डाल देगा, फिर अलग अलग ग्लिटर पेन से कुछ लिख देगा। बाबू जी पोल्यूशन डाल दिया सबसे झाटू। उसके बाद उससे बड़ा दो लाइन में लिखना शुरू करा, उसमें भी गलत लिख दिया तो काट दिया।
असाइनमेंट में भी असेसमेंट में भी काट दिया, मतलब जो चीज वहां कलर की जमा होनी उसमें भी कंटे लग रहे, फ्लूड लगा रखा उसमें, फ्लूड लगाने बैठ गया तो भंड गया उसमें, तीन चार और भांड दिए, पेंट भांड दी सबकी, ये हाल थे। जो हमारी आर्ट की टीचर है, पता नहीं यार ऐसा क्यों आर्ट की टीचर सबकी स्ट्रिक्ट रहे बहुत ज्यादा, तो मोहिनी नहीं थी क्या, मोहिनी मैम वो सबसे स्ट्रिक्ट, अरे कुछ स्ट्रिक्ट नहीं थी, हफ्ते में एक देख रहे थे ड्रॉइंग, जिन्ना बना ली बना ली, बाबूजी तीन चार ड्रॉइंग पीछे चले गए थे, मैंने पूरे साल ड्रॉइंग ही नहीं बनाई थी, मेरी पूरी शीट खाली थी। पर बच्चे कैसे थे, साल के एंड में उसने कहा कि उसमें आ जाइए लैब में, कॉपी चेक होंगी सबकी, तो लैब में क्लास लगी भाई, तो मैं थोड़ा सा लेट गया, मतलब मेरी फटरी की, मैं कल जाऊं या ना जाऊं, बंक मारने के मेरे में दिमाग में दम नहीं थे, तो जब पांच मिनट हुई मैंने सोचा चला ही जाऊं, बंक नहीं मारता, तो जैसे ही मैं क्लास के पास आया, एक बंदे को बाहर खड़ा करके उसमें कॉपी लग रही आर्ट वाली, वो धैड़ी धैड़ आज नहीं, मैं पूरे पीरियड टॉयलेट में खड़ा रहा बंदू में, गया नहीं। एक बार ऐसा हुआ, हम गली में खेल रहे थे, तो आंटी से दो तीन बार बुला नहीं, हर्षु आ जा चप्पल खींचने की मम्मी अब नहीं जाने का, हर्षु पिटना रहने अभी। एक बार ऐसे इसके घर में से यूं ही रैंडमली गली में पूरी शांति, मतलब सुबह का 7:30 का फ्रेश टाइम, और मैं उसमें गैलरी में घूम रहा अपनी साइड में, जस्ट इसका घर है राइट साइड, वहां से आ जाई इसमें सीख बजा रखी मम्मी ने सुबह ही सुबह। एक बार याद है तुन्नर मन ने सेम ही बंदा पीट रखा स्कूल में, भाई क्या हुआ, ट्यूशन के बाद दोस्त थी हमारा, बहुत बढ़िया दोस्त थे, तो क्या हुआ एक जगह रात को ट्यूशन पढ़े थे हम, जहां मैथ्स का पढ़ा गया था वहां हम रात को पढ़ा गए थे, थोड़े दिन पढ़ा मैं वहां रात, तो मैं साइकिल से आया, नई गियर वाली साइकिल ली, तो किसी बात पे उसने खून फूंक दिया मेरा, कि वो भी लड़की के ऊपर ही, एक लड़की की बात पे खून फूंक रहा था, वो बार बार कह गए। उसके बाद मैंने ये सोचा मैं, भाई वो ठाड़ा इतना था कि उसकी हाइट आज भी हमारे से इतनी लंबी, और वो चौड़ा भी मेरे से डबल, मैं सोचा मैं देखी जा गई आज, तो मैंने उसमें तीन चार पहले बुत दिए, उसे किसी ने बता दिया था लड़ाई में बेल्ट चलानी चाहिए, वो भी बदमाशों के द्वारा टेक रहा था, तो उन्हें बेल्ट निकाल ली हूँ, बेल्ट निकाल के मेरे हमारी वो मेरे हाथ में दे दी, वो इतना ढीला था, फिर मैंने बेल्ट लेके उससे तीन चार उसमें बेल्ट मारी बढ़िया, तो जब उसमें कहीं बेल्ट खींच दी ना, फिर पता क्या गया, यूं क्या घर कितनी देर में चला गया वही दोस्ती होगी इनकी लड़ाई। मैं लाइन पे गया रेलवे लाइन पे, तो मेरे से साइकिल ना उतरी, आया वाक का आया, यूं कह रहा लड़ाई वड़ाई एक जगह है, ऐसी खतरनाक जगह खेलने नहीं जाना चाहिए, साइकिल उतरवा के ले गया, वो ढेर बोला था बेचारा। उसके बाद एक बार क्या हुआ, वो ऐसे काम कर दिया करे था क्लास में, मुझे मनोज भाटिया सर ने एक वो दिया, कहीं पे कोई ओलंपियाड ओलंपियाड था, मनोज भाटिया सर ने होगा तू जरूर जाइए यार, तुझे जरूर जाना, क्योंकि स्कूल से एक बच्चा कम पढ़ रहा, तू चला जाइए। मैं ऐसे कामों में बहुत कम रहूं था, पर मनोज भाटिया सर कह रहे जाइए जाइए जाइए, और उसके बाद वहां पे एक क्यूटी भी आने वाली थी, जैसे सर ने नाम लिया ना, ये बच्चे जा रहे, तो क्यूटी का लालच आ गया मुझे, मैंने वो शीट ली, वो भरना था फॉर्म भर के देना था सर को, जैसे ही मैं क्लास में गया वही लड़का जो मैं बता रहा वो आया, यूं दिखाइए क्या है, यूं करके उसने पेपर मोड़ दिया भाई, इतना मुझे गुस्सा आया, मैंने उसमें बस एकदम से गर्मा गर्मी में एक चाटा मार दिया, उसमें चाटा मारते ही वो जैसे ही मेरा मारा ना आया, मैम आ गई बीच में, मैम कहने लगी क्या है बदतमीजी ये रो फलाना ढिमकाना है वो, तो यूं कह रहा मैम, क्या कह रहा मैम, दो दोस्तों के बीच में ना आओ पीरियड चल रहा है, 10 बज गए बच्चों में, दो दोस्तों के बीच में, फिर तो बहुत मजा आया, मैम ने भी कुछ नहीं कहा, मैम को भी दिख रहा था दोनों में गरमा रहे। तो ये स्टोरी टाइम मतलब अभी तक तो सिर्फ स्कूल में है, लेकिन कॉलेज टाइम और उसके बाद के भी मतलब हमारे ट्रिप्स, अरे अभी तो मेरे पास बहुत किस्से हैं, दो तीन है, एक तो बहुत ही खतरनाक किस्सा है मेरे पास ट्रिप्स से रिलेटेड, और मतलब कॉलेज टाइम के बाद के भी बहुत हमारे किस्से हैं जो हम सोच रहे बताने का, जो बिल्ड कर रहे हैं अभी वो हम लिखवा रहे स्क्रिप्ट राइटर ने भेजा नहीं है मेरे पास, दो तीन तो बहुत बढ़िया है, एक तो मुझे आज याद आया अभी जस्ट, रिक्शा गई है मेरा जब पहले शुरू में रिक्शा लगी थी, राइवल है वो, बिगेस्ट राइवल वो मेरा भी है, रिक्शा वाला मेरा सांप वाला ही है, मैंने तो नहीं बताया अपनी रिक्शा वाला है, बता रखा मैंने, पता नहीं बता देंगे लोग अगर तुमने बता रखा होगा वो लड़की, लेकिन हमें फॉलो करा है उसके, मैं कई बार मैसेज आया उसके जिसके साथ, वो किस्सा है कोई नहीं वो भी सुन लेगी, कितनी खराब थी वो।